नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु जी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? SSC ने एक और नया नोटिस जारी किया है आज ही शाम को। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही चल गया होगा कि SSC ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी है एज ऑन 20th October 2020। तो जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं, जो उनकी टेंटेटिव डेट्स हैं, वो आ गई हैं। और खुशखबरी है, GST 2019 वालों के लिए, JEE 2018 वालों के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2018 वालों के लिए, इन सभी के डेट, एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की डेट्स आपकी आ गई हैं। SSC ने अपना स्टेटस रिपोर्ट पहले भी जारी की थी, कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट आपके ऑलरेडी आ गए हैं। जैसे आपके GST 2019 का पेपर टू का रिजल्ट का आया था आपका जून 2020 में, और CGL 2019 का रिजल्ट आया था आपका जून 2020 में, वो डेट जून 2020 की थी टेंटेटिव, लेकिन आपका आया था 1 जुलाई 2020 को। JEE 2018 पेपर टू का रिजल्ट आपका 11 सितंबर 2020, देन जो आपका CGL का रिजल्ट आना था 4 अक्टूबर को, वो आया आपका 30 सितंबर को। JEE का भी रिजल्ट की डेट थी आपकी 21 सितंबर, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो आया था आपका 11 सितंबर को। जैसे ही आपका JEE का रिजल्ट आया था, हमने आपको कहा था कि आपका रिजल्ट जो है CGL का वो 30 सितंबर तक आ जाएगा, और वैसा ही हुआ था। क्योंकि SSC का कुछ सीक्वेंस रहता है, SSC ने ये रिजल्ट टेंटेटिव डेट से पहले जारी इसलिए किए थे क्योंकि जो आप सबने प्रोटेस्ट किए थे उस सबसे SSC पे असर पड़ा था। अब आज MTS की वैकेंसीज अपडेट हुई हैं, जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो अपडेट हुई हैं। तो हमने 2-3 घंटे पहले लगभग 5:30 पे, आज 5:30 PM पे एक लाइव सेशन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आज आपका रिजल्ट आ सकता है, या आपका कल या परसों तक आ सकता है, मैक्सिमम 2-3 दिन में आपका मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप सब हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर जो हमारा रिजल्ट है वो आज कैसे आ जाएगा, आप कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट आज आ जाएगा। क्योंकि तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ध्यान रहे, जब आपका CGL 2019 का टायर 1 का रिजल्ट आया था ना, तब हमने आपको कहा था 29 या 30 तारीख को जून की आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई थी, CGL 2019 की जो वैकेंसीज है टेंटेटिव, तुमने कहा था कि जैसे ही आपकी वैकेंसीज रिलीज होती ना तो उसके 1 या 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता। वैसा ही हुआ, आपका 1 जुलाई 2020 को रिजल्ट आया था। आप जो भी कैंडिडेट्स ने हमारी वीडियो देखी उनको ध्यान होगा ये बात, और पहले भी SSC की हिस्ट्री रही है कि जब जब कोई वैकेंसीज आती हैं, अपडेट होती हैं उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए जिसकी टेंटेटिव डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो आपका रिजल्ट आ जाता है 1 या 2 दिन के अंदर। तो भी MTS की वैकेंसीज आज रिलीज हुई हैं, तो आज ना के हो सकता है रिजल्ट आपको कल या परसों तक आ जाए। बिकॉज हमने वीडियो में भी यही बोला था आपको कि जो रिजल्ट है वो आपका जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपकी वैकेंसीज अपडेट होती हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ ही जाता है। तो रही बात GST 2019 वालों के लिए, उनका रिजल्ट फाइनली 13 नवंबर की डेट दी है, तो मे बी आपके पहले आ जाए, नवंबर के स्टार्टिंग में बिल्कुल आ जाए। और रही बात आपकी JEE 2019 और स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2018, दोनों ही एग्जाम आपके 2018 के हैं, तो जो इनका रिजल्ट आएगा आपका वो आपकी डेट 30th November 2020, मे बी ये भी आपका 15 से 20 नवंबर के अराउंड आ जाए। वो देखते हैं SSC कैसे काम करता है। तो जो भी हमारे साथी कह रहे थे कि MTS का रिजल्ट कैसे आ सकता है भाई, तो क्योंकि आपकी वैकेंसीज अपडेट हुई हैं, तो जब भी आपकी वैकेंसीज अपडेट होती हैं, किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट आना होता हो, जब DVE के लिए रिजल्ट आता है, तो तभी आपका रिजल्ट आ जाता है। तो फिक्र मत कीजिए, आपका रिजल्ट कल परसों तक मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आज नहीं भी आया है तो कल परसों तक आ जाएगा। एक बात और, टेंटेटिव डेट आई जरूर है MTS के लिए, वही सेम आई है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता ना टेंटेटिव डेट चेंज नहीं होती, टेंटेटिव डेट आपकी वही रहती है। क्योंकि SSC फिर ये मेंशन करता है, ये जो डेट में दिखा रहा ना, ये बोस्ट करता अपने आप, शेकी बिगाड़ता कि हमने पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपको डेट दी थी कुछ और बात की, हमने अपना रिजल्ट पहले प्रोसेस कर लिया। तो SSC खुद को फास्ट दिखाने के लिए ऐसा करता है। आपका रिजल्ट फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, मेरा खुद का रिजल्ट आने वाला यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं या जो MTS में अभी DVE होने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको डिफरेंट कैंडिडेट्स मिलते रहेंगे।
रोज हमारे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं हमसे, अपने डाउट्स पूछते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कट ऑफ रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग या प्रिपरेशन रिगार्डिंग अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, तो हमसे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आप टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं है, टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो आप हमसे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अवेलेबल हैं। वहाँ आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हों, जिस पे भी अवेलेबल हों, आप वहाँ पे अपने डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो लाइक करते हो तो इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगे इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा जाएगी, और आपके लाइक से हमें यह पता चलेगा कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन पसंद आया, आपको हमारी टाइमली अपडेट पसंद आई है, तो इससे हमें काफ़ी हिम्मत मिलेगी, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करने के लिए, और आपकी जो भी प्रिपरेशन रहेगी उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, घबराइए मत, आपके MTS का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, कल या परसों तक आ जाएगा, फिक्र वाली बात नहीं, और इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जो भी JEE 2019 के हैं, 2018 के सॉरी, और स्टेनोग्राफर 2018 और GST 2019 के, इनकी डेट्स दी गई हैं, इन डेट्स तक तो मैक्सिमम आपका आ ही जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपके रिजल्ट आने वाले हैं। हम आशा करते हैं जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने भी अच्छे से मेहनत की है, वो सभी सक्सेस हो, और फ्रॉडस्टर हमेशा दूर रहें। हम नहीं चाहेंगे, हम किसी भी फ्रॉडस्टर को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम आपसे आशा करेंगे कि आप अपनी मेहनत से देश सेवा में आओ, सर्विसेज में आओ, और देश को और बेहतर बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप आने वाले किसी भी टाइमली अपडेट को, किसी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को या किसी भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, दोस्तों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।